शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव ने ईवीएम मशीन पर फोड़ा हार का टिकरा। शिवपुरी जिले करेरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव ने अपनी हार का टिकरा ईवीएम पर फोड़ा है। उन्होंने कहा, सब लोगों ने मेहनत की, सब लोगों ने वोट दिया, लेकिन चुनाव में नतीजे इधर उधर हो जाते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव की मतगणना में दो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। यहाँ आपको बता दें कि शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव और बीजेपी के रमेश खटिक में मतगणना के दौरान कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव 16 राउंड तक 1500 की बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 17वें राउंड के बाद बीजेपी के रमेश खटिक ने बाजी पलटते हुए करीबी मुकाबले में करीब 3000 से अधिक वोटों से कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव को हरा दिया है। प्रशासन ने अभी जीत का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। आज विधानसभा के नतीजे आए सर, आप चुनाव में पराजित हुए, तो क्या कुछ कारण रहा आपका पराजित होने का? देखो, ऐसा है, सब लोगों ने वोट दिया, सब लोगों ने मेहनत की, अब ये चुनाव परिणाम है, इधर उधर होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप आगे चल रहे थे उसके बाद, अब क्या है, थोड़ा कहीं हम लोगों की कमियां हो गई होंगी, या कुछ लोगों ने भी ईवीएम गड़बड़ था, ईवीएम वो दो मशीनें गड़बड़ थी, मतलब आप सीधा तौर पर ईवीएम को निशाना साधते नजर आते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण आप चुनाव आ रहे हैं? आपने जो नंबर मिलाए थे नहीं, लगातार आप 15-16 राउंड तक आप आगे चल रहे थे और आखिरी दो राउंडों में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या? दो तीन मशीनों के जो नंबर जो है जी, वो तीन चार मशीनों का नंबर लिए, उस कारण हम लोग चुनाव लाडली बहना का सर मशीन का हो रहा है।